नमस्कार दोस्तों, इलाजेश्वर्स किचन में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे बेहतरीन ब्रेड उत्तपम बनाने की रेसिपी। ये रेसिपी एकदम टेस्टी है और फटाफट बन जाती है, तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए मैंने ली है 6 ब्रेड। आप ब्राउन या वाइट कोई भी ब्रेड ले सकते हैं। फिर 1/4 कप दही, 1/4 कप सूजी, 3 टेबलस्पून मैदा, 1/4 कप चॉप किया हुआ टमाटर, 1/4 कप चॉप किया हुआ हरा धनिया, 1/4 कप चॉप किया हुआ प्याज, 2 चॉप की हुई हरी मिर्च, 7 से 8 कली चॉप किया हुआ लहसुन, स्वाद के अनुसार नमक, उत्तपम फ्राई करने के लिए तेल और 3/4 कप पानी। सबसे पहले हम एक ग्राइंडिंग जार में ब्रेड के टुकड़े कर डालेंगे। फिर उसमें दही डालेंगे, सूजी डालेंगे, मैदा डालेंगे, 3/4 कप पानी डालेंगे, उसे हल्के हाथों से मिलाएंगे। और उसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। तो हमने उसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। आप देख सकते हैं कि एकदम स्मूथ मिक्सचर तैयार हुआ है। अब इस मिक्सचर को हम एक बाउल में लेंगे। उसमें चॉप किया हुआ टमाटर डालेंगे, चॉप किया हुआ प्याज डालेंगे, चॉप किया हुआ हरा धनिया डालेंगे, चॉप की हुई हरी मिर्च डालेंगे, चॉप किया हुआ लहसुन डालेंगे, स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, उसे अच्छे से मिला लेंगे। हमारा ब्रेड उत्तपम का खीरा एकदम तैयार है। अब हम गैस पर एक तवा रखेंगे। तवा गर्म होने के बाद उस पर थोड़ा सा पानी छिड़केंगे और उसे कपड़े से साफ कर लेंगे। अब उसके ऊपर 2 टेबलस्पून तेल डालेंगे। फिर उसके ऊपर थोड़ा सा खीरा डालेंगे। और उसे हल्के हाथों से गोल आकार में फैलाएंगे। अब उसे थोड़ी देर के लिए फ्राई होने देते हैं। गैस की फ्लेम लो टू मीडियम रखनी है। थोड़ी देर बाद हम उसे पलटेंगे। दूसरी तरफ भी थोड़ी देर के लिए फ्राई होने देंगे। इसी तरह से हम दोनों तरफ से अच्छे से पलटते हुए फ्राई करेंगे।
हमने उत्तपम को अच्छे से फ्राई कर लिया है, अब हम उसे बाहर निकालेंगे। उसी तरह से हम सारे उत्तपम फ्राई कर लेंगे। तो हमारा बेहतरीन ब्रेड उत्तपम सर्व करने के लिए तैयार है। ये उत्तपम घर पे बनाकर ट्राई करें और आपके अनुभव हमारे साथ शेयर करें। ऐसी नई रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे दोस्तों। धन्यवाद।